ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यू नो डिफरेंट डिफरेंट किताबों का अपना अपना अप्रोच होता है। मैं अपना अप्रोच आपको दिखाता हूँ। अ स्नैपशॉट ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू जीरो इज शोन इन द फिगर। मतलब ये एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है सोचो, और उसी की शेप आपको किसी भी एक इंस्टेंट पे दिखा रखा है, जैसे फोटो खींच लिया, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और उसका एक फोटो खींच लिया किसी एक इंस्टेंट पे और वो आपको दिखा रखा है उसने, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे ये कह रहे हैं, अ पार्टिकल एट टी इज ऑब्जर्व मूविंग अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पी का जो पार्टिकल है, सॉरी, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नोन टू बी 2√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये उसने कह रखा है। एंड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 2√2 पाई। मतलब यहां पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का यहां से जो इंक्लिनेशन आ रहा है, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है, और टैन बीटा की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है। टैन बीटा इज नोन टू यू, दिस इज बेसिकली 2√2 टाइम्स ऑफ पाई, ये वैल्यू उसने दे रखा है। अब उन्होंने पूछ रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव। वेव इक्वेशन क्या होगा, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज की इसमें मतलब वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एक बार ये सोचो। अगर मैं ये वेव को, अगर सपोजेडली मान लेता हूँ कि ये वेव जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, तो आपको ये पैटर्न नेक्स्ट मोमेंट पे कैसा दिख रहा होता, कुछ ऐसा दिख रहा होता, क्योंकि यही पैटर्न शिफ्ट होके कुछ ऐसी हो गई होती। यू सी समथिंग कि ये पार्टिकल अगर नेक्स्ट मोमेंट पे इधर से इधर चला गया होता, इसका मतलब ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होता, नीचे होता। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ वेव होता, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी नीचे की तरफ आती। बट सिंस उसने कह रखा है कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मूविंग अप, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल को अगर ऊपर मूव करनी है, तो मुझे इस स्ट्रिंग को नेक्स्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा शिफ्ट करना चाहिए था, तभी ये पार्टिकल क्या हो सकता था, ऊपर जा सकता था। तो दिस पार्टिकल वुड हैव मूव्ड अपवर्ड्स। इसका मतलब जो हमारा वेव ट्रैवल कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, हमारा नेगेटिव एक्स ट्रैवलिंग वेव है। सो वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर, ये पार्ट को देख के, कि वेव मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेव प्रोपेगेट्स प्रोपेगेट्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पहली चीज हमें पता चल रही है। दूसरी चीज अभी हमें क्या करनी है, वेव वेलोसिटी सपोजली फाइंड करनी है। वेव वेलोसिटी को हम पार्टिकल वेलोसिटी से कैसे कैलकुलेट करें, आप सोचो एक जनरल वेव इक्वेशन, जब आप वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी कैलकुलेट करते हो, तो उसका इक्वेशन कैसा होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड प्लस कुछ एक फेज, आपका यू नो इनिशियल फेज के लिए आप सोच सकते हैं कि ओरिजिन पे कुछ एक फेज रही होगी, टी इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो वो बेसिकली पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ भी एक वेव इक्वेशन है आपके पास, ये आपका नेगेटिव एक्स की ट्रैवल करता हुआ एक एक वेव का एक जनरल वेव इक्वेशन है। अगर यहाँ से आप डो वाई बाई डो एक्स कैलकुलेट करते हो, जिससे आपको स्लोप मिलेगा, क्योंकि उसने स्लोप दे रखा है ना हमें, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का यू नो इंक्लिनेशन दे रखा, मतलब यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी रिटन एज ए, सिंस ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो फिर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करनी है। तो टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, एंड फिर आपका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो के आपका बाहर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि के एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी के। सिमिलर तरीके से अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी होती, तो हम क्या करते, डो वाई बाई डो टी करते, क्योंकि वाई आपकी उस लोकेशन एक्स की पार्टिकल की पोजिशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको यू नो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर निकालनी है, तो डो वाई बाई डो टी करना पड़ता हमें, और इससे आपको क्या मिलता है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, और इसके साथ आपको फिर चेन रूल लगाओगे, तो ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से ही हम यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू को अगर सब्सिट्यूट कर दें, तो ये टर्म है आपका डो वाई बाई डो एक्स एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ 1/k, एंड इसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ वेव अगर याद हो, तो वी इक्वल टू ओमेगा बाई के ही होती है। इसका मतलब अगर मुझे सॉरी, यहां से आप देखो ध्यान से, हाँ, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर मुझे निकालनी है, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे डो वाई बाई डो एक्स के साथ हम बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ से हमें क्या मिल जाता, पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाती, ठीक है। अगर यही चीज अगर आपका पॉजिटिव एक्स ट्रैवलिंग होता, अगर ये वेव, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक माइनस के एक्स का फॉर्म होता, राइट,
और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते तो एक माइनस के भी आ जाता, तो उस केस में आपका क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन करते वक्त एक नेगेटिव टर्म यहाँ पे रहता, तो बस एक इतनी सी बात है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव हम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो आपका ओमेगा बाई के है, ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बाई टैन ऑफ बीटा आ जाएगी, क्योंकि स्लोप तो आपको दे ही रखी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा था उसने 2√2 पाई है, तो इसको 2√2 पाई लिखा, और यहाँ से टैन बीटा की वैल्यू भी उसने दे रखी है 2√2 पाई है, तो 2√2 पाई लिख दिया। ये दोनों का रेशियो आपका 1 ही आ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए उसने रेशियो जो यूनिट दे रखा सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आ जाएगा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वेव आपकी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है। दूसरी चीज है कि अगर मुझे वाई मतलब ये वाली पार्टिकल सपोजली जो एक्स इक्वल टू 0 पे जो लोकेटेड पार्टिकल है, अगर उसके लिए अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखते तो ऑब्वियसली वो भी आपको ऊपर की तरफ ही दिखती है, दिस वुड हैव बीन वेलोसिटी अपवर्ड्स, दिस इज वेलोसिटी एट ओरिजिन, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। क्यों ऊपर की तरफ है, सेम लॉजिक, क्योंकि अगर आपका वेव नेगेटिव एक्स ट्रैवलिंग है तो फिर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है जिसमें आपको दिखता है कि पार्टिकल ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है। इस आपको ये पता है कि अगर मैं वाई एट 0, सोचो कि अगर ऐसा सिचुएशन देखो आप, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस वाले पार्टिकल पे कंसंट्रेट करूँ, ठीक है, सिर्फ वाई एक्स इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे कंसंट्रेट करूँ, तो यहाँ से वो कितना दूर डिस्प्लेस से आप ये चेक करो, ये उसका इनिशियल पोजिशन है, कितना दे रखा है इसने, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल जो कि आपकी 2√2 है शायद यहाँ पे, हाँ दिस इज 2√2, दिस इज 2√2, और ये अपने मीन पोजिशन से दूर की तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी, ठीक है, तो ये 2√2 उसकी इनिशियल पोजिशन है। आप सोचो ये सेंटीमीटर्स में दे रखा है, अगेन सेंटीमीटर्स में ही है ये, और यहाँ पे कुछ एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वी नॉट, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन, ये टी इक्वल टू 0 का पोजिशन होता, तो ये कुछ भी एक टाइम टी का इक्वेशन होता, कोई भी टाइम होता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने टाइम पे पहुंचेगा। वैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे ये डिस्टेंस तो आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है ये एक्सट्रीम एंड का है, ये उसने दे रखा 4 है, 4 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसको एम्पलीट्यूड हम लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर को, अगर हम एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, इफ आई एम राइटिंग 4 सेंटीमीटर एज द एम्पलीट्यूड, तो ये बेसिकली जो 2√2 है, ये बेसिकली क्या है, a/√2 है, a/√2, इसका मतलब फेज चेंज कितनी हो जाएगी उसकी, वो बेसिकली π/4 की फेज चेंज होगी। अगर वो यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो π/4 का फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री का फेज चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ से सर्कुलर मोशन में जब आप सोचेंगे तो ये a/√2 का फेज तभी आएगा, a/√2 का वैल्यू तभी आएगा जब फेज एंगल कितनी है उसकी, 45 डिग्री की है, तो इनिशियल फेज जो है बेसिकली वो आपका 45 डिग्री का, इससे तो आपको पता चलता है, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो इनिशियल फेज है पार्टिकल की वो कितनी है आपकी, 45 डिग्री, या फिर π/4 भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं वाई एट 0, t लिखता, तो इसकी इक्वेशन कैसी होती, 4 sin ω t +π/4 का इक्वेशन बनता है ऐसा, ठीक है, ये हो गई आपकी वेव इक्वेशन एट 0, t। अब अगर मुझे वाई एट x, t निकालनी है, तो अब आप ये सोच के देखो कि जो डिस्टरबेंस एक्स पे हो रही है किसी टाइम टी पे, वो ओरिजिन पे कब होगी, अगर यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हो रही है टाइम टी पे, और ये डिस्टरबेंस तो इधर से ही चल के आ रही है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे कब होगी वो, यहाँ का डिस्टेंस अगर सोचो कोई भी एक लोकेशन आपने चूज कर लिया, लोकेशन जिसको आप एक्स कह रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक वेव को आने में कितना टाइम लगेगा, x/v टाइम लगेगा, v आपका वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो x/v टाइम के बाद वो वहां पे पहुंचेगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो भी डिस्टरबेंस आपकी लोकेशन एक्स पे टाइम टी पे हो रही है, वो डिस्टरबेंस आपकी लोकेशन एक्स इक्वल टू 0 पे हो रही है, बट टाइम आपको कितना लेना है, t+x/v लेना है, क्योंकि x/v टाइम के बाद ही आपका वो डिस्टरबेंस आपका ओरिजिन पे पहुंचेगा। अब हमें वाई एट 0, t तो पता है, तो वाई एट 0, t+x/v तो आराम से निकाल सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये टर्म क्या बन जाएगा आपके पास, 4 sin ऑफ, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू t+x/v, एंड यहाँ पे प्लस π/4 आपको ऐड कर लेना है, दैट्स इट। अब यहाँ से भी तो आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ओमेगा भी आपको पता ही है, कहाँ गया, हाँ यहाँ से देखो वेवलेंथ उसने दे रखा है, ये चेक करो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, आप ये चेक करो, ये लेंथ आपको दे रखा है उसने 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका वेवलेंथ है। तो अगर हम ओमेगा को कैलकुलेट करें तो अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, वी इज एफ लैम्डा ही लिख लेते हैं ना, तो यहाँ से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी वी बाय लैम्डा, वी आपने 1 निकाल रखा और लैम्डा है आपका कितना है 2, ये सेंटीमीटर्स में ही है और वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये आपको हर्ट्ज में ही मिल जाएगा, पर सेकेंड में मिल रहा है, एंड देयरफॉर ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो इसको लिख सकते हैं आप, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई
रेडियंस पर सेकेंड का मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ओमेगा वे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 sin of π t एंड प्लस π x प्लस π/4, ये हो गया आपका वेव इक्वेशन।